ये डिजाइन देख रहे हो आप कैसा हो, अगर आप इसी सेटअप को बिल्डिंग पे लगा लो, इसी सेटअप को रोड सीलिंग पे लगा लो, इसी को T1000 पे चला लो, इसी पे IC सर्किट आप लगा लो, इसी को आप आधा करके चला लो, इसी को पूरा करके चला लो, इसी में पीछे आप और IC कंट्रोलर ऐड करके सेम डिजाइन चला लो, तो यार मेरा नाम है राजकुमार। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक ही सेटअप से आप कितनी जगह यूज ले सकते हैं। इसी सेटअप को आप रोड सीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी सेटअप से आप जो है बिल्डिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आधा लगा सकते हैं, चाहे तो पूरा लगाइए, चाहे तो डबल करके लगाइए, जैसे मर्जी आप वैसे इसको लगा सकते हैं। प्लस पावर सप्लाई की टेंशन नहीं है। बात रही कनेक्शन की, तो अगर आप कनेक्शन करना नहीं जानते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए, कनेक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, ये वीडियो अगर आप दिवाली के पहले देख रहे हैं तो हैप्पी दिवाली आप लोगों को, और अगर आप दिवाली के बाद देख रहे हैं तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। प्लस यार ये जो सेटअप है इसमें हम आपको बताएंगे 50x40, मतलब 50 बल्ब की 40 लाइन का सेटअप किस तरीके से बनता है, जो कि रोड सीलिंग में भी यूज़ होगा और बिल्डिंग में भी यूज़ होगा, दोनों जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन पट्टा हमारा सेम रहने वाला है, कनेक्शन भी हमारे सेम रहने वाले हैं। मैं आप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं और किस तरीके से पावर सप्लाई का कनेक्ट होगा और ये इसमें डिजाइन कैसी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटअप कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या लगाया हुआ है। ये तो है एक 70 एम्पेयर की सप्लाई, ये है एक T1000 कंट्रोलर जिसमें हमने कनेक्शन पट्टा लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है वो सारी पिनें लगी हुई है। और कनेक्शन आपको अगर कोई डाउट हो तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे, इसमें आप सारी जो अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने लगाया T1000। अब क्या हो यार, इसको मैं खोल दूँ और इसकी जगह में लगा दूँ एक IC, तो सेम चीज़, बस इसको रिमूव करना है और यहाँ पर IC लगानी है, इसमें हमारा जो सेटअप है वो चालू हो जाएगा। और यहाँ पर बात रही पिक्सल की, तो यार देखिए अभी कंट्रोलर मैंने खोल दिया है, अब मैं यहाँ पर कंट्रोलर को वापस से इनपुट कर देता हूँ, सिर्फ एक पिन लगानी है और अपना जो सेटअप है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने पिन लगाई जैसे ही और हमारा सेटअप जो है वो चालू हो गया है। और इसमें जो है सेटअप में खास बात है दोस्तों, ये सेटअप बन के जा रहा है मिस्टर सूरज प्रजापति को, जो कि बीजापुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इस सेटअप में हमने 50 बल्ब की 40 लड़ियों का यूज़ किया है, सेम कनेक्शन पट्टा हम यूज़ करते हैं हर वीडियो में, ये चाहे तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है यार सिर्फ कनेक्शन पट्टे पे ही ये सब चलने वाला है। तो यार आप इसको देखिए, यहाँ पर हमने सेंटर में कनेक्शन पट्टे का एंड हो गया, क्योंकि कनेक्शन पट्टा हम 20 फिट का ही बनाते हैं। अब यहाँ पर एंड हो गया तो यहाँ से दूसरा कनेक्शन पट्टा चालू हुआ, ये देखिए आप यहाँ पर एंड हो गया और ये चालू हो गया दूसरा। तो सेम पावर सप्लाई हमने एक 70 एम्पेयर की यहाँ पर भी लगाई हुई है और इसको भी कनेक्ट किया हुआ है, बीच में सिर्फ एक डाटा का वायर हमने कनेक्ट किया है जिसको आउटपुट इसका है और इनपुट इसका है। इसमें भी सेम पिन है, चाहे ये कनेक्शन पट्टा इधर लगा सकते हैं, ये वाला कनेक्शन पट्टा इधर लगा सकते हैं। अब बात रही यार रोड सीलिंग में कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो सामने वाले की शर्त ये थी, जिनका ये सेटअप बन के जा रहा है, उन्होंने बोला था कि इसी सेम सेटअप को मैं यूज़ करने वाला हूँ रोड सीलिंग में, इसी सेटअप को मैं यूज़ करूँगा हाफ करके, मतलब यहाँ जहाँ से कनेक्शन पट्टा हमारा सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है। और उसी के साथ साथ सेम सेटअप जो है उनके पास दो हैं, एक उन्होंने पिछले साल भी लिया था दिवाली पे और एक इस साल दिवाली पे वो ले रहे हैं, तो दो सेटअप वो एक साथ कैसे चलाएंगे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्किट वहाँ पर लग जाएगा IC कंट्रोलर, दूसरा कंट्रोलर यहाँ से जो दूसरा सेटअप स्टार्ट होगा यहाँ से लग जाएगा, तो डिजाइन दोनों की सेम चलने वाली है और ऐसा लगेगा ही नहीं कि दो सेटअप चल रहे हैं, बाकी डिजाइन सेम रहेगी और उसमें आप अपनी मनपसंद डिजाइन में डलवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। T1000 में IC कंट्रोलर में नहीं डल पाएगी, और IC कंट्रोलर में कैसी डिजाइन है अगर आपको वो जानना है तो ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसी को रोड सीलिंग पे कैसे यूज़ करेंगे, तो यार सेम सेटअप, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग पे लग रहा है, इसको आप खड़ा लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, इसमें भी सेम डिजाइन में आपका जो है वो बिल्डिंग सेटअप जो है वो रोड सीलिंग में काम करने वाला है। तो यार आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बात रही है सामान कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारी वेबसाइट pixelledlights.com पे जाकर के सारे सामान जो है वो परचेस कर सकते हैं। और इस सेटअप में जो भी सामान यूज़ हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर आप चाहे तो पूरा सेट भी एक साथ में बाय कर सकते हैं, पूरे सेट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके वीडियो के लास्ट में दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके की डिजाइन हमने डाली हुई है।